हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा 11th फिजिक्स लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 11th फिजिक्स के लिए यूनिट हम पढ़ रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी 11th की, उसमें हमने सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ा था और थोड़ा सा मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था। आपको ध्यान हो तो सिस्टम हमने 3 स्टडी किए थे। फर्स्ट सिस्टम था MKS सिस्टम, सेकेंड था CGS और थर्ड था FPS। ये 3 सिस्टम यूनिट्स के। MKS सिस्टम जैसे बताया था कि द टाइप ऑफ सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकंड। और CGS सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, और FPS में फीट, पाउंड और सेकंड में मेजर किया गया था। तो बेटा सिस्टम के बाद हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप हमने पढ़ी थी, फंडामेंटल और डायरेक्ट। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है। दीज आर 7 फिजिकल क्वांटिटी विच आर फंडामेंटल। फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। इन क्वांटिटीज को छोड़कर जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो बाकी सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज की कैटेगरी में आएंगी। जैसे हम बात कर लेते हैं डेंसिटी, आपने डेंसिटी पढ़ाई है 9th में। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम के लिए LBH लेंथ है, यानी कि दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी से जो फिजिकल क्वांटिटी बनाई जाएगी उसे हम नाम देंगे डिराइव्ड। जैसे कि अगर बात कर ली जाए स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस भी लेंथ की फॉर्म है। जैसे अगर लेंथ की बात करें, वेड्थ, हाइट, ब्रेड्थ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, थिकनेस, ये सारी चीजें डिस्टेंस ही है और लेंथ की, लेंथ से ही मेजर किया जाता है। तो ये दो क्वांटिटी से मिलके बनी है, दोनों ही फंडामेंटल है, इसलिए स्पीड को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हमने ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको याद रखनी है, और साथ में इनकी जो यूनिट है ये फंडामेंटल यूनिट है। टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल। ये आप ध्यान रखेंगे। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बेटा ध्यान रहे, हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम अभी नहीं पढ़ा है, वो हम थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे। फोर्थ वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन इक्वेशन और प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ये हम पढ़ने वाले हैं अभी दो वीडियो में। तो पहले बात कर ली जाए डायमेंशन की, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन क्या है बेटा फिजिकल क्वांटिटी का? जैसे आप देखेंगे लेंथ, लेंथ एक बेस यूनिट है, सॉरी बेस क्वांटिटी, और इसकी जो यूनिट है मीटर, वो बेस यूनिट है। तो लेंथ के लिए डायमेंशन फार्मूला आएगा L1, मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाएगा M1, और टाइम के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाएगा T1। ये तीनों डायमेंशन फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, L1, M1, T1। L1 रिप्रेजेंट कर रहा है, L पावर 1 है, तो बेस की एक चीज 1 को, लेंथ की पावर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था। मास M1, टाइम के लिए T1, ऐसे ही टेम्परेचर के लिए K1 डायमेंशन फार्मूला होगा और इलेक्ट्रिक करंट के लिए A1 डायमेंशन फार्मूला होगा। यहां जाते हैं बेटा, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटी आर राइज टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ के लिए लेंथ पावर 1 आएगा बेटा, या तो फंडामेंटली इसलिए 1 ही आएगा इसमें। मास के लिए 1 होगा, टाइम के लिए T1 होगा। तो ये रहेंगे बेटा डायमेंशन फार्मूला, आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं। अभी तक आपने जो फिजिक्स में पढ़ा है वो क्वांटिटी और साथ में यूनिट पढ़ रहे थे, अब एक नई चीज प्लस 1 में जिससे आप इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, वो डायमेंशन फार्मूला। ये तो इस लेंथ को अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो L1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे कि आप बात कर लेते हैं स्पीड की, स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या रहेगा? स्पीड का रिलेशन अदर क्वांटिटी, अदर बेस क्वांटिटी के साथ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस की यूनिट मीटर है और टाइम की सेकंड है, और मीटर यानी कि लेंथ, लेंथ के लिए लिखा जाता है फॉर्मूला L1, और सेकंड, सेकंड के लिए लिखा जाता है T1। तो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला रहेगा L1 और T-1।
ये जो फॉर्मूला अपने पास आया यहाँ राइट साइड में, इस फॉर्मूले को हम डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन इक्वेशन कहेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन इक्वेशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा। अभी आज की इस वीडियो के बाद आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी दी जाएगी बेटा, और आपको करना है क्या, उन क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायमेंशन की एप्लीकेशन और डायमेंशन की लिमिटेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो बेटा अब मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने लिखूंगा और आपको उनका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। जैसे कि मैंने स्पीड लिखा बेटा पहले, सेकेंड क्वांटिटी मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम आप जानते हैं अदर क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, वॉल्यूम होता है एल बी एच, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम का। अब देखेंगे तो बेटा लेंथ को भी मीटर में मेजर किया जाएगा ऐसा ही सिस्टम में, ब्रेड्थ को भी मीटर में और हाइट भी मीटर में, तो वॉल्यूम की यूनिट होगी मीटर क्यूब, और मीटर पावर वन को एल वन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मीटर पावर थ्री को रिप्रेजेंट करेंगे एल थ्री से। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम जीरो एल थ्री टी जीरो, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी राइट है ये भी राइट है। नेक्स्ट क्वांटिटी थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड बेटा डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अभी मास का डायमेंशन फॉर्मूला हमने पढ़ा था एम वन है, और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया एल थ्री, तो टोटल डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया बेटा एम वन एल माइनस थ्री। ऐसे आप फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कुछ मैंने एग्जांपल आपके सामने लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा वेलोसिटी की, वी नो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी एल वन लेंथ से मेजर किया जाता है बेटा, और टाइम टी वन, तो डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा एल वन और टी माइनस वन। मैंने स्पीड का और वेलोसिटी का सेपरेट निकाला डायमेंशन फॉर्मूला, उसके कारण स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है बेटा। ये मैंने सेपरेट लिखे इसलिए है कि मैं आपको एक लिमिटेशन बताना चाहता हूँ डायमेंशन एनालिसिस की या डायमेंशन फॉर्मूले की, वो ये है बेटा कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट टू क्वांटिटी बाय सिंपली सीइंग द डायमेंशन फॉर्मूला। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, बट दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है, ये एक लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की। यानी कि कुछ क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो सकता है, बट उनका नेचर सेम होना जरूरी नहीं है। तो ऐसे ही बेटा आप नेक्स्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है बेटा वेलोसिटी ओवर टाइम, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं ये डायमेंशन फॉर्मूला होने वाला है एल वन और टी माइनस टू। इसके अलावा फोर्स का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, फोर्स होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। देन एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एनर्जी होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे आपकी बुक में कुछ एक्सरसाइज मिलेगी आपको डायमेंशन फॉर्मूले के, आपको उनका डायमेंशन फॉर्मूला ध्यान रखना है और डायमेंशन फॉर्मूला निकालना भी है। आप इन क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला जरूर ध्यान रखें, और ये रिलेशन अगर आपको पता है डिराइव्ड क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ रिलेशन पता है, तो आप यूनिट भी बता सकते हैं और उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी बता सकते हैं। इस पार्ट को कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस, और हम डायमेंशन एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, तो उसका एक कारण है। कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स में या साइंस में जब बनाया जाता है तो उसकी पहली कंडीशन है कि उसे डायमेंशनली वेरीफाइड होना पड़ेगा, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए वो। इफ अ फॉर्मूला इज डायमेंशनली रॉन्ग तो वो सिरे से ही रॉन्ग है बेटा, वो ठीक नहीं हो सकता। तो पहली कंडीशन है वो डायमेंशनली वेरीफाइड हो बेटा। तो कुछ एप्लीकेशन है वो मैं अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूं कि बता ही रहा हूं आपको, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहली यानी कि डायमेंशन एनालिसिस से हम काम क्या कर सकते हैं, पहली एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस।
टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला, यानी कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है हम डायमेंशन से उसका पता लगा सकते हैं. ठीक है, टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फॉर्मूला. जैसे कि बात कर लीजिए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स या एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है. अगर एनर्जी का फॉर्मूला और हमारे इस राइट साइड के डायमेंशन फॉर्मूला, ये दोनों का फॉर्मूला अगर इक्वल आ जाता है, इफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ ए क्वांटिटी इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट साइड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, देन द फॉर्मूला इज करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग होगा बेटा. तो ये एप्लीकेशन है बेटा, फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको बताया. सेकंड, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग डायमेंशन फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशन इक्वेशन और वी डिराइव इक्वेशन. एंड थर्ड, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट. डायमेंशन के जरिए हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट में दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जा सकते हैं, कि जैसे ये एमकेएस से सीजीएस में जा सकते हैं, सीजीएस से एमकेएस में जा सकते हैं. तो बेटा आज की वीडियो हम खत्म करते हैं. मैंने आपको थोड़ी सी थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया डायमेंशन के लिए, डायमेंशन आप पढ़ेंगे और कुछ डायमेंशन फॉर्मूले की प्रैक्टिस भी करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. थैंक यू बेटा.